मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बीकॉम पार्ट सेकंड का वित्त कार्य का चैप्टर मैंने आपके लिए लिया है। वित्तीय प्रबंधन का जो आपकी बुक है, पेपर है, उसके अंदर वित्त एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वित्त कार्य क्या होता है। किसी भी संगठन में वित्त संबंधी कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। औद्योगिक और व्यावसायिक संगठनों में वित्तीय प्रबंधक द्वारा संगठन में जो भी कार्य किए जाते हैं उन्हें वित्त कार्य कहा जाता है। वित्त कार्य को मुख्यतः हम तीन संदर्भों में परिभाषित करते हैं। प्रथम संदर्भ में वित्त कार्य से अभिप्राय या वित्त कार्य से आशय संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कोषों की उपलब्धता तय करने से है कि हम आवश्यक कोष जो है वो उपलब्ध करवा लेते हैं। द्वितीय संदर्भ में वित्त कार्य से अभिप्राय संगठन के अंतर्गत समस्त नकद क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। और तृतीय संदर्भ में वित्त कार्य से अभिप्राय कोषों की प्राप्ति और व्यवसाय में उनका प्रभावशाली उपयोग करने से। वस्तुतः वित्त कार्य का सीधा संबंध धन, बाजार और लोगों से है। अगर अब इसमें हम आगे देखना चाहेंगे कि वित्त कार्य की प्रकृति किस तरह की है और विकास कैसे हुआ है। 20वीं सदी का उत्तरार्ध वित्त कार्य की प्रकृति और विकास में आमूलचूल परिवर्तन का काल रहा है। परंपरागत तौर पे जब वित्त कार्य मात्र कोषों की व्यवस्था तक सीमित था, वहीं आधुनिक परिदृश्य में वित्त कार्य कोषों की व्यवस्था के साथ साथ कोषों की प्रभावकारी उपयोग से संबंध में हो चुका है। पुराने समय में हम यही मानते थे कि वित्त कार्य यही है कि आप कोषों की व्यवस्था कर लीजिए, पर अब सिर्फ कोषों की व्यवस्था करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के साथ साथ उसका उपयोग किस तरह किया है, कहाँ कहाँ उसको कितना कितना यूटिलाइज किया है फंड्स को, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आधुनिक संदर्भों में वित्त कार्य का अभिप्राय कोषों की व्यवस्था के साथ कोषों का प्रभावकारी उपयोग माना जाता है। वर्तमान समय में वित्त कार्य को पश्चिमीकरण की केंद्र बिंदु फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ऐतिहासिक काल क्रमानुसार वित्त कार्य के विकास और प्रकृति को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारंपरिक विचारधारा की बात हम करेंगे। वित्त प्रबंध की पारंपरिक विचारधारा का उदय और विकास 20वीं सदी के प्रथम अर्धशतक में हुआ था। इस काल में प्रकाशित पुस्तकों में 1897 में प्रकाशित हुई कॉर्पोरेट फाइनेंस, 1910 में प्रकाशित हुई कॉर्पोरेशन फाइनेंस और इसी तरीके से 1915 में प्रकाशित हुई मटेरियल्स ऑफ कॉर्पोरेशन फाइनेंस और 1945 में केस प्रॉब्लम्स इन फाइनेंस जो प्रकाशित हुई, ये सारी किताबें काफी महत्वपूर्ण रही। इसमें वित्तीय प्रबंधन की पारंपरिक विचारधारा के अंतर्गत वित्त कार्य एक यंत्र तंत्रिक कार्य था। इस विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र को सीमित किया गया। इस धारणा के अनुसार वित्तीय प्रबंध का क्षेत्र मात्र कोषों का एकत्रीकरण था कि मात्र फंड इकट्ठे करने से इसको लिया जाता था कि फंड इकट्ठे कर लिए तो पारंपरिक विचारधारा सिर्फ फंड को कलेक्ट कर। परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत कोषों के एकत्रीकरण हेतु वित्तीय प्रबंधन प्रयास करता था। कोषों की व्यवस्था किन शर्तों पर और किन स्रोतों से की जाए, कोषों के प्रभावपूर्ण उपयोग और आवंटन के संदर्भ में वित्तीय प्रबंध तक के पास किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। अर्थात पारंपरिक विचारधारा निवेशक दृष्टिकोण का पोषण करती थी, इन्वेस्टर्स अप्रोच रखती थी और इसका प्रत्यक्ष संबंध प्रबंध कार्य से नहीं होकर के विनियोजकों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से होता था। और साथ ही साथ जो है इसकी अगर हम सीमाओं की बात करें, पारंपरिक विचारधारा की कई सीमाएं हैं। पहली बात है इसमें इम्पोर्टेंट कई सीमाएं हैं, कोषों के संकलन तक ही सीमित था। परंपरागत विचारधारा जो थी वो मात्र कोषों को इकट्ठा करने की बात, उसका संकलन या उसको बढ़ाने की बात करती थी। वित्त कार्य मात्र विनियोजक के दृष्टिकोण से ध्यान में रख करके काम करता था। निर्णय जो भी होते थे वो विनियोजक के हिसाब से किए जाते थे। और दूसरा इसकी सीमा ये थी कि नैतिक प्रबंध की उपेक्षा करता था कि दिन प्रतिदिन के जो फंड होते थे और उनके संकलन की बात ही नहीं करता था, बल्कि उनका जो है पूर्ण रूप से उसकी उपेक्षा करता था कि नैतिक रूटीन के जो प्रबंध के कार्य थे उनको ये ध्यान नहीं देता था। इसी के साथ दीर्घकालीन दृष्टिकोण भी एक इसकी सीमा रही है। इस विचारधारा के अंतर्गत संगठन की दीर्घकालीन समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जाता था, अल्पकालीन जैसे कार्यशील पूंजी के प्रबंधन की उपेक्षा की जाती थी।
और साथ ही साथ आकस्मिक प्रक्रिया की बात अगर हम करें तो इस विचारधारा के अनुसार वित्त कार्य एक आकस्मिक प्रक्रिया थी, जबकि संगठन के अंतर्गत वित्त कार्य अनवरत यानी लगातार चलने वाले। अब हम बात करेंगे आधुनिक विचारधारा की कि परंपरागत विचारधारा 1950 के दशक तक प्रचलित रही, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आए। नवीन ध्रुवीकरण और युद्धोत्तर काल में विनाश हो चुकी अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्गठन और विकास की संभावनाओं को तलाशने के लिए आधुनिक विचारधारा का अभ्युदय हुआ। आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत कोषों की प्राप्ति के साथ साथ कोषों के उपयोग, निर्णयन संबंधी कार्यों को वित्त प्रबंधन में सक्रिय सुनिश्चित किए। आधुनिक विचारधारा क्या कहती है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। आधुनिक विचारधारा में वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत कोषों के प्रभावपूर्ण आवंटन यानी कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स की बात की जाती है। वित्तीय प्रबंधन की नवीन भूमिका में उसको कोषों के विवेकपूर्ण उपयोग पर निम्न तीन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने पड़ते हैं कि सबसे पहले तो संगठन का आकार क्या होना चाहिए और इसके विकास की तीव्रता क्या होनी चाहिए, संगठन की संपत्तियों का सृजन किस रूप में किया जाना है, संगठन के दायित्वों का क्या अनुपात होना चाहिए। उक्त तीनों प्रश्न वित्तीय प्रबंधन के तीन निर्णयों से प्रभावित होते थे, विनियोग निर्णयन, वित्तीय निर्णयन और लाभांश। इजरा सोलोमन के शब्दों में अगर हम बात करें तो परंपरागत विचारधारा कोषों के साधनों पर अधिक बल देती थी, जिसका संबंध विशिष्ट प्रक्रियात्मक ब्यौरे और विस्तृत विवरण से होता था। अब नवीन व्यापक व्याख्या के अंतर्गत कोषों के अनुकूलतम संकलन, उपयोग और आवंटन की दिशा में विवेकपूर्ण नीति पर निर्धारण पर अधिक बल दिया। धन्यवाद।